नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकॉन सॉफ्टवेयर के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आप नया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 शुरू होने वाला है और ये समय है सभी बिजनेसमैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनको अपनी अकाउंटिंग, अपना टैक्सेशन, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें फाइनल करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिकॉन सॉफ्टवेयर में अपना नया फाइनेंशियल ईयर हम कैसे सेटअप करेंगे। न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में अपने एडमिन यूजर से लॉगिन करेंगे सर्वर पे, एंड ये इंश्योर कर लें कि जितने भी यूजर्स हमारे लैन पे वर्किंग कर रहे हैं वो सभी हमें क्लोज कर देना है सॉफ्टवेयर, उनको लॉग आउट करा दीजिए। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सभी चीजें आप एक बार पहले चेक कर लें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कि जैसे हमें नियर एक्सपायरी स्टॉक है वो हमें चेक करना है कि हम ट्रांसफर करने से पहले जो भी मेरा नियर एक्सपायरी स्टॉक है उसको हम नॉन सेलेबल गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट में नियर एक्सपायरी, यहाँ पर आप ऑल अवेलेबल सारी कंपनियों का देख लेंगे और नेक्स्ट कितने डेज का हमें नियर एक्सपायरी स्टॉक चाहिए वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसेस करते हैं आपके सामने ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको सारे बैच नंबर वगैरह आपको सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट को आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर ऑल्ट पी का यूज करेंगे। स्टेटमेंट हम प्रिंट करते हैं और हमें ये अल्फाबेटिक चाहिए या कंपनी के हिसाब से चाहिए वो आप चूज करेंगे, एंड ये पैरामीटर्स हैं। जैसे आप प्रोसेस करते हैं तो आपसे पूछेगा वो स्क्रीन पे या एक्सेल पे चाहिए। तो अगर हम एक्सेल यहाँ पर चूज करते हैं हमें कैसे अपने सिस्टम से उसको आगे प्रोसेस करना है, तो इसके लिए आप इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक ट्रांसफर में, सेलेबल टू नॉन सेलेबल, यहाँ पे आपको एंटर करना है, कंपनियां सेलेक्ट करनी है किस किस कंपनी का आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ पर F2 से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट ऑल भी ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे आप ओके करते हैं तो एक्सपायर F2 और यहाँ पर आपको जो है आगे की डेट डालनी है। सपोज मुझे जून 2025 तक का जो है, जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो मेरे सारे बैचेस यहाँ पर आपके लोड हो गए जो आगे जून 2025 तक एक्सपायर होने वाले हैं। और इसको आप जैसे ही यहाँ पर सेव करते हैं ये सारा जो स्टॉक है मेरा वो सेलेबल स्टॉक से यहाँ से हट जाएगा और आपका नॉन सेलेबल स्टॉक में आ जाएगा। इस एंट्री को आप यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं कि कितना स्टॉक जो है आपका यहाँ पर नियर एक्सपायरी है और उसको आपने ट्रांसफर कर दिया है नॉन सेलेबल गोडाउन में, तो ये स्टॉक आप अपने रैक से हटा सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप जरूरी है कि आपको ये चेक कर रहे हैं कि कोई आपकी पेंडिंग परचेज ना रह गई हो वो आप एंट्री कर लें। इसके अलावा आपको बैंकिंग या आपके जो PDC वगैरह है उसको एक बार चेक कर लें, कोई ऐसा PDC पेंडिंग तो नहीं है कि जो मुझे डिपॉजिट करना है, तो एक बार रजिस्टर जरूर चेक कर लें यहाँ से। इसके अलावा तीसरा है कि आपको अपने पेंडिंग चलान वगैरह चेक करने हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर इन्वेंट्री में आप जाके, जैसे सेल के चलान है तो आप यहाँ से चलान बुक भी ओपन कर सकते हैं, एंड रिटर्न के हैं तो रिटर्न के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न चलान बुक। इसी तरह परचेज के कोई चलान वगैरह पेंडिंग है तो आप परचेज चलान बुक वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर चलान टू बिल का ऑप्शन है तो इस ऑप्शन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये सेटिंग है, अगर आपको रिटर्न के चलान भी देखने हैं तो गुड्स रिटर्न यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, एक्सपायरी टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप रीड बटन पे क्लिक करते हैं तो जितने पेंडिंग चलान हो गए आपके सामने यहाँ पर शो हो जाते हैं। यदि ये चलान आपको बिल में कन्वर्ट करने हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं वन बाय वन, स्पेस बार से आप सिलेक्ट करेंगे या ऑल करने हैं तो ऑल करने के बाद। और अगर इन सभी चलान का अगर हमें इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो नीचे बटन दिया हुआ है मेक इनवॉइस का, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये सारे जो चलान है वो इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हमने एंट्री चलान में एंटर कर रखी है वो हम अगले फाइनेंशियल ईयर में नहीं लेके जाने वाले, क्योंकि जैसे ही अगर हम इसको अगले फाइनेंशियल ईयर में ले जाएंगे तो हमारी जो स्टॉक की ट्रांजेक्शन है वो भी हमारी नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जरूरी चीजें हैं जो हमें चेक करनी है। इसके अलावा जो आपका स्टॉक कैसे आपको एडजस्ट करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, तो स्टॉक एडजस्टमेंट का वो डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, आप उसको देख सकते हैं। या आपको नॉन ट्रांजेक्शन आइटम जो है वो आपको हटानी है ट्रांसफर करने से पहले, कि जो साल भर में जिनका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है प्रोडक्ट का या अकाउंट का तो उनको कैसे हटाना है, तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जरूर देख ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें जो है बैकअप लेना है, तो उसके लिए हम जाएंगे एडमिन में और यहाँ पर बैकअप के अंदर, जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस करते हैं ये बैकअप आपका पर्टिकुलर जो ड्राइव डिफाइन है सी ड्राइव रिकॉन का फोल्डर है वहां पर ये बैकअप आपका हो गया है। चेक करने के लिए आप यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करेंगे, फोल्डर ओपन करेंगे तो आज की डेट में चेक कर लें कि हाँ ये मेरा बैकअप आज का डेट और टाइम आ गया है यहाँ पर। आप चाहें तो इस बैकअप को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, कॉपी करके किसी और ड्राइव के अंदर आप ले जाके उसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। बैकअप होने के बाद अब आपका अगला स्टेप है कि आपको ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर करना है, तो आपको एडमिन में जाना है, यूटिलिटी में और ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो गया है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है वो आपके सामने यहाँ ऊपर शो हो रहा है। न्यू फाइनेंशियल ईयर वर्किंग ईयर क्या है ये जरूर एक बार चेक कर ले, उसमें 2025 से लेकर मार्च 26 तक आएगा और ये आपका फर्म कोड आ गया और ये नया डेटाबेस का कोड आ गया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टिक है कि आपको अपडेट लास्ट नंबर पे टिक करना है। अगर आप अपना स्टॉक आगे कैरी करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफर
स्टॉक बैलेंस पे करना है, और अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर नहीं करना है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ से हटा देंगे। सेम इसी तरह से ही ट्रांसफर अकाउंट बैलेंस है, तो ये हमारे जो अकाउंट्स के बैलेंसेज हैं वो हमें आगे कैरी करने हैं, तो आपका ट्रांसफर अकाउंट बैलेंस पे टिक रहेगा और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग पे भी टिक रहेगा। अगर हमें आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स नहीं ले जाने आगे तो ये दो टिक आप हटा देंगे। इसके बाद जो हमारे गोडाउन के बैलेंसेज हैं, अगर आप मल्टीपल गोडाउन सेलेक्ट करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट टिक कर दीजिए, अगर गोडाउन होगा भी तो भी वो ट्रांसफर हो जाएगा आगे। और ये हमारे मास्टर्स हैं जो हमारे इन्वेंट्री या अकाउंटिंग या अदर यूजर्स मास्टर है, ये आपके टिक रहेंगे। इसके अलावा हमें हिस्ट्री ट्रांसफर करनी है आगे, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें पीडीसी है जो हमारे पोस्ट डीडी चेक है वो ट्रांसफर करने या नहीं करने, तो ऑप्शन यहाँ से है। एक बार अगर आपके पीडीसी ट्रांसफर हो गए नेक्स्ट ईयर में तो आप बैक ईयर में फिर आप उस पर काम नहीं कर सकते, तो पीडीसी जो है वो बाद में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके कोई एंट्री स्पेंडिंग रहेगी अकाउंटिंग की, पीडीसी पोस्टिंग करनी है बैक ईयर में, तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर पीडीसी जो चेक है आगे ट्रांसफर हो गए तो रिवर्स बैक ईयर में नहीं आएंगे, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी चीजें हैं कि जैसे पेंडिंग चलान है, ये चीजें हैं, तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि चलान अगर हम आगे ट्रांसफर नहीं करते हैं, अगर फिर भी इन द केस किसी वजह से आपको ट्रांसफर करने हैं तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, तो जो पेंडिंग चलान हैं वो भी आपके नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। सेम इसी तरह ही आपका पेंडिंग परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर है, तो ये सारे टिक होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसेस करते हैं तो ये ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। विद इन मिनट के अंदर आपको यहाँ पर ये जो है नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है या कोई एरर आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। प्रोसेस कंप्लीट होते ही मैसेज आपके सामने आ जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर बैकअप के लिए पूछेगा। यस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया है। अब हमें नए फाइनेंशियल ईयर में लॉग इन कर लेना है। यहाँ से न्यू फाइनेंशियल ईयर में हमने लॉग इन कर लिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर नया डेटाबेस आ गया हमारे पास, और यहाँ पर ये फाइनेंशियल पीरियड शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस को ट्यून करना है, उसके लिए हम जाएंगे एडमिन में, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एंड ट्यून डेटाबेस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेने हैं और प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। नए साल में ट्यून डेटाबेस करना कंपलसरी है, क्योंकि ये आपके डेटा को पूरा ऑप्टिमाइज कर देगा, एंड इसके प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आप न्यू ईयर में लॉग इन करके, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको ओके बटन में क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर ऑटो लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन हो गया, अब आप नया साल में लॉग इन है और नया वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टार्ट करने से पहले अगर आपका जो बिल नंबर है या बिल की जो सीरीज है वो आप एक बार जरूर चेक कर लें यहाँ पर F4 करके, कि उसका जो नंबर है वो आपका जो है 1 से स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ लोग इनवॉइस नंबर में अपना फ्लैग जैसे फाइनेंशियल ईयर ऐड करके रखते हैं 24, 25, तो अभी उनको यहाँ पर 25th और 26 ऐड करना है, तो वो एक सेटिंग यहाँ पर कर लें। तो उनके जो है फ्लैग चेंज करने के लिए एडमिन में जाना है और सीरीज मास्टर में, तो यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जो भी सीरीज आप यूज करते हैं उसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये आपका जो फ्लैग दिया हुआ है यहाँ पर आप वो जो है अपना फाइनेंशियल ईयर अपना चेंज कर सकते हैं, वो फ्लैग यहाँ पर आप जरूर चेंज करें। जैसे सेल के अंदर हमने यहाँ पे चेंज किया है, इसी तरह फर्म वाइज डिटेल में भी जाकर यहाँ पर भी आप अपना सेल के अंदर वो फ्लैग जो है अपना चेंज कर लें, और ये सेव करने के बाद फिर से आप चेक करेंगे कि हाँ मेरा जो फ्लैग है वो बिल के अंदर यहाँ पर नया फ्लैग आ गया है या नहीं आ गया है, तो उसके बाद ही आप अपना एंट्री स्टार्ट करें। इसके अलावा आप चाहें तो न्यू ईयर में अपना स्टॉक जो है फिर से चेक कर सकते हैं और अपना लास्ट ईयर से उसका वैल्यूएशन कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने जो है नया साल क्रिएट कर लिया है। अगर कोई आपको इश्यू आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें या हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें। कांग्रेचुलेशन, आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।